हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी जो है बेसन और आटे का हलवा। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स लगेंगे इसको प्रिपेयर करने में। इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या हमारे स्टेप होने वाले हैं, चलिए इस वीडियो के साथ हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है इंग्रेडिएंट्स बेसन और आटे का हलवा बनाने के लिए। सबसे पहले हैं आपके ड्राई फ्रूट्स, बादाम और किशमिश। साथ में मैंने लिया है गरी का पूरा। ये है आपका जैगरी, आप इसकी जगह चीनी और शक्कर भी यूज कर सकते हैं। जैगरी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए मैं जैगरी यूज कर रही हूँ। और ये हो गया आपका बेसन और ये हो गया आपका आटा। ये जो पूरी बाउल है ये 2 से 3 कटोरी हलवा बनाएगी। और साथ में हम डालेंगे देसी घी। आप देसी घी की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, बट मैं देसी घी इसलिए यूज करूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। और साथ में है पानी। जब हम कढ़ाई में इसको फ्राई करने के लिए डालेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी हमें डालना है हलवे के लिए। सो फ्रेंड्स, आप बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। सो फ्रेंड्स, आप ड्राई फ्रूट्स को देखिए ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं इस देसी घी के 2.5 चम्मच डाल रही हूं। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आटा और बेसन इसमें डाल दिया है। अब आपको इसको धीमी आंच में बहुत ही स्लोली पकाना है। और ये इस चीज का ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लगे। अगर ये नीचे लग गया तो पूरा फ्लेवर खराब हो जाएगा हलवे का। सो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का आपका हलवा होगा थोड़ी देर के बाद। इसे अभी भी आप धीमी आंच में पकाते रहिए, जब तक ये घी ना छोड़ दे तब तक इसे पकाते रहिए। तो देखिए, हमारा हलवा थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है और इसे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। चलिए अब डालते हैं इसमें पानी। मैंने ये ग्लास डाला है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आप ये ड्राई फ्रूट्स डालिए इसमें और फटाफट साथ में ये जैगरी डाल दीजिए और सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी है। आप कॉर्नर में नोटिस कर रहे होंगे कि घी के बुलबुले आ रहे हैं। आपका हलवा एकदम तैयार है और सिर्फ 10 मिनट्स लगे हमें बेसन का हलवा तैयार करने के लिए। आप इसको शाम को एज अ इवनिंग स्नैक चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैं सो फ्रेंड्स, हलवा तैयार है। आप इसको एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। और अगर आपको पूजा में हलवा बनाना है और आपके घर में सूजी नहीं है तो आप आटे और बेसन का हलवा भी इस तरीके से बना सकते हैं।